इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन 18 फरवरी को चेन्नई में होगा। 292 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इनमें 164 भारतीय, 128 विदेशी खिलाड़ियों समेत 3 खिलाड़ी एसोसिएट देशों से हैं। एसोसिएट देशों में अफगानिस्तान, नेपाल और यूएई शामिल हैं। 196.6 करोड़ रुपए की बोलियों के लिए 8 फ्रेंचाइजी हैं। आइए अब आपको बताते हैं इससे जुड़े अहम फैक्ट। सबसे पहले बात ऑक्शन के हाईएस्ट रिजर्व प्राइस वाले 10 खिलाड़ियों की। इनमें हरभजन सिंह भारत बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए, केदार जाधव भारत बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए, शाकिब अल हसन बांग्लादेश बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए, मोइन अली इंग्लैंड बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए, सैम बिलिंग्स इंग्लैंड बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए, लियाम पंकलेट इंग्लैंड बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए, जेसन रॉय इंग्लैंड बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए, मार्क वुड इंग्लैंड बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए के नाम हैं। अब ऑक्शन में शामिल उन खिलाड़ियों के बारे में जो खेल के साथ दूसरे कारणों से चर्चा में रहे। इनमें सबसे पहले बात नूर अहमद की। अफगानिस्तान के नूर बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर हैं और इनकी बेस प्राइस 20 लाख रुपए है। ये आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। अब बात भारत के नागालैंड के क्रेवित्सो केन्से की। केन्से लेग स्पिनर हैं। 16 साल के केन्से सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं। इनकी भी बेस प्राइस 20 लाख रुपए है। इनके बाद बात करते हैं नयन दोषी की। 42 साल के दोषी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय हैं। बेस प्राइस 20 लाख है। अब चर्चा करते हैं सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की। 20 लाख रुपए बेस प्राइस वाले अर्जुन फास्ट बॉलर हैं। लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज और विकेटकीपर सादिक किरमानी का नाम भी है। इनकी बेस प्राइस 20 लाख है और ये पूर्व क्रिकेटर सैयद किरमानी के बेटे हैं। अब बात करते हैं ऑक्शन से आउट क्रिकेटर एस श्रीसंत की। श्रीसंत तेज गेंदबाज हैं और 5 साल का प्रतिबंध खत्म कर क्रिकेट में लौटे थे। इसके बाद नाम आता है चेतेश्वर पुजारा का। टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाने वाले पुजारा का बेस प्राइस 50 लाख है। और अब अंत में 3 एसोसिएट देशों के खिलाड़ियों का जिक्र। इनमें अली खान, संदीप लामिछाने, कार्तिक मैयप्पन के नाम शामिल हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।